यूपी एमपी के बाद अब दिल्ली में चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी हिंसा वाले इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई, मौके पर पुलिस बल तैनात। 2 दिन चलेगा अवैध निर्माण ढहाने का ऑपरेशन। खरगोन हिंसा मामले में सीएम शिवराज को एसीएस होम और एडीजी सौंपेंगे रिपोर्ट। हिंसा के 2 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई। खरगोन में अब कर्फ्यू से 6 घंटे की छूट। पीसीसी चीफ कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को डिनर पर बुलाया। मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तन्खा समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। बीजेपी का सामाजिक न्याय पखवाड़े का आखिरी दिन आज। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेगी बीजेपी। सेना अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों पर देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। मिशन 2023 की तैयारियों पर हो सकती है चर्चा। भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर किया पलटवार, कहा सिंधिया की नहीं है आइडियोलॉजी। ओमकारेश्वर में नहर में डूबने से 4 बच्चियों की मौत। नहर में नहाते वक्त हुआ हादसा। साध्वी रतंभरा आश्रम में पढ़ाई कर रही थी चारों नाबालिग। रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीय छात्रों की बड़ी मुश्किलें। यूक्रेन के शिक्षकों ने भारतीय छात्रों को किया मैसेज। यूक्रेन के शिक्षकों ने कहा, भारत रूस का साथ दे रहा है, हम आपको नहीं पढ़ा सकते। छात्रों ने आगे की पढ़ाई भारत में कराने की मांग की। और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 632 कोरोना के नए मरीज। सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा स्वास्थ्य विभाग।